सिटी रेंज जे रविंद्र गौड़ द्वारा वार्षिक निरीक्षण के दौरान रैतिक परेड की सलामी ली गई व परेड का किया गया निरीक्षण, परेड व पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए संपूर्ण अभियान के तहत पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। विटामिन ए का सेवन बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ विभिन्न बीमारियों से भी करता है बचाव। गोरखपुर में ठंड ने दी दस्तक, कोहरे की चादर से ढका पूरा शहर। नेपाल व गहवा माई मंदिर के द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाला प्रमुख नदियों का पवित्र जल संग्रह करके कलश के साथ पहुंचा गोरखनाथ मंदिर। मंदिर प्रबंधन के पदाधिकारियों द्वारा पवित्र कलश का पूजा अर्चना कर किया गया स्वागत। भगवान राम की प्रतिमा का अयोध्या में होगा पवित्र जल से हो अभिषेक, अयोध्या के लिए हुआ रवाना। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, मरीजों का जाना हाल, किया कंबल वितरण। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गोरखनाथ मंदिर के संस्कृत विद्यापीठ के छात्रों में किया कंबल वितरण, कहा ठंड में कंबल वितरण करना बहुत ही अच्छा कार्य, सभी को आना चाहिए आगे। 161 वर्षों बाद हम लोगों की तपस्या का मिला है फल। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का पीएम मोदी के द्वारा होगा प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी को देते हैं धन्यवाद, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने दी जानकारी। गैंग बनाकर मारपीट कर लूट व डकैती का अपराध कारित करने वाले 8 अपराधियों के विरुद्ध चिलुआताल थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने दी जानकारी। चिलुआताल थाना क्षेत्र में किशोरी को खेत में ले जाकर दरिंगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में वाहन चोरों के शातिर गैंग के सरगना आलोक मिश्रा समेत 4 शातिर बदमाशों को रामगढ़ताल थाना की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 4 चोरी की बाइक, 1 कटी बाइक व बाइक काटने का उपकरण भी किया बरामद, भेजा जेल।